इजाबेल II का 96 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद अब उनके बेटे चार्ल्स राजा बनेंगे। लेकिन अगर आप क्वीन एलिजाबेथ II की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ II की लाइफ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गई हैं, जिससे आपको उनके जिंदगी के पहलुओं के बारे में पास से पता चलेगा। इन फिल्मों में क्वीन एलिजाबेथ के किरदारों में खुद क्वीन एलिजाबेथ II नहीं नजर आई, बल्कि इन किरदारों को हॉलीवुड एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर निभाया। सोशल मीडिया पर क्वीन एलिजाबेथ II की लाइफ जर्नी पर आपको ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, लेकिन जो पॉपुलर वन है, सिर्फ आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है फिल्म द क्राउन, जो साल 2016 में वेब सीरीज के तौर पर नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई। इस सीरीज में 1947 में वर्ल्ड वॉर II की लड़ाई के बाद की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में आप क्वीन एलिजाबेथ II की लाइफ के बारे में काफी डिटेल में समझ और जान सकते हैं। फिर 2008 में आई फिल्म द क्वीन, इस फिल्म में एक्ट्रेस हेलेन मिरेन ने क्वीन एलिजाबेथ II का किरदार निभाया। इस फिल्म में प्रिंसेस डायना के निधन से जुड़ा इवेंट दिखाया गया है, किस तरह से प्रिंसेस डायना के निधन के बाद रॉयल फैमिली में क्या कुछ चीजें हुई। 2011 में आई फिल्म जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न एक ब्रिटिश स्पाई कॉमेडी फिल्म है, इसमें रोवन एटकिंसन लीड रोल में नजर आ रहे हैं। 2015 में आई फिल्म अ रॉयल नाइट आउट में भी एलिजाबेथ II की जिंदगी से जुड़े हुए कई किस्से दिखाए गए हैं, जिसमें उस रात का जिक्र किया गया है जिसे एलिजाबेथ II बिना रॉयल रेस्ट्रिक्शन के एंजॉय करना चाहती थी। 2020 में आई फिल्म आर क्वीन एट वॉर में भी एलिजाबेथ II की लाइफ का टीनेज पार्ट दिखाया गया है, किस तरह एलिजाबेथ II ने वर्ल्ड वॉर में काम किया और किस तरह एलिजाबेथ II यूके की क्वीन बनी। और आप इस फिल्म को देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर ने ही उन्हें क्वीन बनाया है। 2021 में आई बॉलीवुड फिल्म 83 में भी एलिजाबेथ II को फीचर किया गया था। फिल्म में एक सीन था जिसमें एलिजाबेथ II सभी खिलाड़ियों से ऑफिशियल सेरेमनी के दौरान मिल रही थी। हालांकि मूवी का ये पार्ट भी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने ही निभाया था। आपने इनमें से कौन सी फिल्में देख ली हैं और कौन सी फिल्में या वेब सीरीज आप देखने जा रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।